साईयो। संभाल कर लेके जाना, हाँ गिराना मत, बड़ा महंगा सामान है। राशिद भाई, वाह, आप तो विलायत जाकर बिल्कुल विलायती हो गए। बस कपड़े वहां के हैं, लेकिन आज भी मैं तेरा वही भाई हूं जिसके साथ बागों में अमृत चुराने जाता था। वैसे यहाँ कोई अमरूद का पेड़ है? घर पर अमरूद है राशिद भाई। नहीं सलीम, चुरा कर खाने का अपना ही मजा होता है। आप सच में बिल्कुल नहीं बदले, वही मस्कर हैं अभी तक। चलिए आपका सामान ले लेता हूँ, फिर घर चलते हैं, आपकी भाभी इंतजार कर रही होगी। वो मैं ले लेता हूँ। इसमें क्या है भाईजान? तेरा तोहफा। लंदन में तोहफे ऐसे ही दिए जाते हैं, तेरे लिए लाया हूं लंदन से। लंदन से? इसके क्या जरूरत थी भाईजान? जब तू खोलेगा, इस्तेमाल करेगा, तब खुद जान पाएगा ये क्या चीज है। ऐसा क्या है इसमें? अभी नहीं बताऊंगा, ये तोहफा और राज अब भाभी और अली के सामने ही खुलेगा। भाई साहब, वो बक्सा इधर करिए। चलो। पंता जी, इस फर्नीचर के लिए विदेश से तोहफा? ऐसा क्या हो सकता है इस बक्से में? ये तो पता नहीं है सत्ता जी, लेकिन सरकार को इसके बारे में पता होना जरूरी है। कहीं ये तोहफा सरकार के इरादों में पारे ना फेर दे। क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान। अच्छा, आप सुल्तान भाई और मरियम भाभी से तो मिल चुके होंगे, भाईजान नगर में ही काम कर रहे हैं। मिला था, उन्हीं से तो पता चला, यहाँ के खेत अभी आली देख रहा है। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पिछली बार आली को देखा था तो कितना छोटा सा था वो। सलीम, साई, प्रणाम साई। राम जी भला कर। मैं थोड़ी देर में आपके पास ही आने वाला था अपने भाई को आपसे मिलवाने के लिए। ये राशिद है मेरा भाई, कुछ ही दिन पहले लंदन से वापस आया है। और राशिद, यह है साई। जानता हूं, तुम्हारे हर खत में इनका जिक्र होता था। सुल्तान भाईजान भी इन्हें याद फरमा रहे थे। माशाल्लाह, चेहरे पे ऐसा नूर। सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं, आपने आवाज दी थी, कुछ काम था? काम तो काका को था तुमसे। कहिए काका साहब। सलीम, मुझे दान सेवा के लिए 150 कंबल चाहिए, बना दोगे? जरूर, कब चाहिए? वो भाई दूज तक किसी भी हाल में चाहिए। इतनी जल्दी? मिल जाएंगे। ये पेशगी रखिए। चलता हूं साईं। चलिए भाईजान। ऐसा क्या हो सकता है इसमें
जो साईं भी इतने ध्यान से देख रहे थे इसे, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। एक बात पूछो साईं, इतनी जल्दी क्या थी कंबल बनवाने की? दिवाली का 4 दिन के बाद भी बांट देते तो क्या फर्क पड़ता? उस बेचारे पर समय की पाबंदी क्यों लगाई? मैंने महसूस किया उसकी झिझक को। हां बोलने से पहले बड़ी उलझन में था वो। कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ हो तो अक्सर पैर भटकते नहीं है काका, यही कोशिश की है मैंने। ये सरकार उस सलीम के पास लंदन का तोहफा है और आप बंबई से रोशनी मंगाकर निश्चिंत हो गए हैं। पूरे गांव में उस तोहफे की चर्चा होगी, कहीं आपकी रोशनी की बात किसी के जुबान पे आए ही ना। लंदन का तोहफा मतलब आपकी बराबरी। बेवकूफ कहीं के, मैं कोई साधारण आदमी हूँ? साधारण आदमी हूँ जो वो फटीचर एक उपहार से मेरी बराबरी कर लेगा? फटीचरों के सगे संबंधी फटीचर ही होते हैं। भले उसका भाई लंदन गया होगा लेकिन वहां किसी अंग्रेज के घर में नौकर ही होगा ना। बहुमूल्य भेंट देना तो दूर की बात, वो साधारण भेंट भी नहीं दे सकता। दिखावे के लिए रंगीन कागज में कुछ लपेट के लाया होगा और इतनी साधारण सी बात लेकर मेरा दिमाग खाने आ गए तुम लोग। चलो जाओ, साफ सफाई पे ध्यान दो। सुनो, शिरडी में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे किसी को कितने भी भेंट क्यों ना मिले। हरिओम, चलिए। लंदन का उपहार, अधिक से अधिक मिठाई लाया होगा, नहीं तो कपड़े लाया होगा। बता तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई अनूठा अनोखा उपहार ले आया है। हरिओम। उपहार, हाँ भाभी जान, बहुत बढ़िया है। आहा, एक बात कहूं, लंदन में कितनी भी सुख सुविधाएं हो लेकिन खाना अपने देश का ही अच्छा लगता है। हो गए सलीम मियां। बेटा अली, तुम्हारे अबू का मन तब तक नहीं लगेगा जब तक तो अपना तोहफा देख नहीं लेते। जाओ ले आओ उसे। भाभी जान ये लीजिए। बड़ा बेताब हो रहा है अपना तोहफा देखने के लिए। तू ही खोल अपना तोहफा। ये तो ग्रामोफोन है, ऐसा तो कुलकर्णी सरकार के घर पे था, केशव के पास। वाह, बजाने के लिए गाने भी हैं।
ग्रामोफोन, मेरा खुद का ग्रामोफोन। किसी ने प्यार से कोई भेंट दी तो उस प्यार की कद्र करो, उसके प्रेम को महत्व दो, क्योंकि कोई भी भेंट प्यार से बढ़कर नहीं होती है। जो इंसान रिश्तों और जज्बात से कई ज्यादा महत्व किसी वस्तु को दे, उसका तो अल्लाह मालिक। भाईजान, हम आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं कोई गैर हूं? नहीं भाभी जान, मैं इसी परिवार का हिस्सा हूं। अम्मी और अब्बू के गुजरने के बाद सलीम के अब्बू यानी मेरे चाचा, उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया। आज खुदा ने इतनी कामयाबी दी है तो अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। अगर आप लोग मुझे अपना मानते हैं तो इसे इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं भाईजान, आपका पूरा हक है, हम आपके इस तोहफे को खुशी से कबूल करते हैं। अच्छा ये बताइए, इसे चलाते कैसे हैं? बताता हूं।
हैरान मत हो, अब ये जमघड़ ऐसे ही लगते ही रहेंगे। इसकी आदत अभी डाल लो। ये ग्रामोफोन तुम्हें इस गांव का सबसे चहेता मशहूर इंसान बना देगा, देख लेना। चलो अब इन सबको तुम ये संगीत सुना और मौसीकी का लुफ्त उठा। और मुझे रुखसत कर। आप जा रहे हैं कहाँ? अभी तो साकोरी जा रहा हूँ, मौसी के यहाँ। उनसे मिलने के बाद कल सुबह वापस बंबई पहुँचना है, जरूरी काम है। भाईजान, सालों बाद आप यहाँ आए, कम से कम एक दिन तो रुक कर जाइए। आज नहीं, विलायत से वापस आ ही गया हूँ तो ये मिलना जुलना होता ही रहेगा, लेकिन आज मौसी से मिलना जरूरी है। सुना है मौसी की तबीयत आजकल नासाज रहती है। ठीक है भाईजान, चलिए मैं आपको गांव की सरहद तक छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको यहीं, ये सबको दिखाओ, अली छोड़ देगा मुझे। क्यों अली? जरूर चाचा। भाईजान, अरे चलिए लाइए, मुझे दे। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मेरे राशिद भाई मेरे लिए ग्रामोफोन लेकर आए हैं लंदन से। आप सब अंदर आकर सुनिए। बहुत बहुत बधाई सलीम भाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। क्या लिखा? लक्ष्मी जी की मूर्ति पर हवन का सामान। ए, क्या कर रहा है? आराम से कर, नाजुक चीज है वो। बता कहीं का। सरकार, आप ये पुराना बाजा फेंक क्यों नहीं देते? अरे वाह, ये तो बात तो मैंने सोची नहीं। इधर। हाँ सरकार। कुछ भी बोल देता है ना, सोचा नहीं समझा नहीं, बोल दिया गोबर बुद्धि, इसे नहीं तुझे फेंक दूंगा मैं, बेवकूफ। अरे ऐसी वस्तुएं संपन्नता का प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, वैभवता को प्रदर्शित करने वाले वस्तुओं को फेंकते नहीं है, सहज के रखते हैं। काहे का वैभव सरकार? मेरा मतलब सलीम के पास ऐसा ही है, तो उसके भाई ने तो उसे ऐसा ही बाजा दिया है। ग्रामोफोन? तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? बताया तो था सरकार कि सलीम का भाई लंदन से उसके लिए तोहफा लाया है, परंतु आपने तो हमें ही डांटा था, और साथ में ये भी कहा था कि वो बहुमूल्य वस्तु तो दूर, वो साधारण वस्तु भी उसे उपहार में नहीं दे सकता। तो हमें भी लगा कि उस बाजे में ऐसा क्या खास है, ये तो आपके पास बरसों से है। ठीक ही कहा तुमने, जिस चीज का उपयोग करके मैं बरसों पहले उब गया हूँ, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो उसका क्या महत्व? बिल्कुल सरकार, इन गांव वालों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो तो उस पटीचर के घर के बाहर खड़े रह के संगीत सुन रहे थे। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सरकार, कुछ दिनों में जिस तरह आप उब गए थे वो भी उब जाएंगे, क्यों पता जी? क्या बहुत लोग खड़े थे? जी सरकार, आप तो जानते गांव वालों को, कुछ नया दिखे तो भीड़ लगा देते हैं, और कुछ लोग तो इतने मूर्ख थे जो सलीम की तुलना आपसे कर रहे थे, जैसे आपके और सलीम के बीच कोई अंतर ही नहीं है। गांव में जो चीज केवल मेरे पास थी, मेरे वाड़े की शोभा थी, वो चीज एक फटीचर के पास है। एक काम करो,
उसके घर पे दृष्टि बनाए रखो। परंतु सरकार, आपने तो कहा था कि जो कहा था वो भूल जाओ। मैं सलीम को लेकर चिंतित नहीं हूं, लेकिन वो सलीम उस फकीर का अंधभक्त है, और यदि उस पाखंडी ने ग्रामोफोन का उपयोग मेरी दिवाली की चकाचौन को नीचा दिखाने के लिए किया तो क्या होगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। परंतु सरकार, अगर उस फकीर ने ऐसा करने की कोशिश की तो? अगर ऐसा हुआ तो उस बाजे को नष्ट करने में मुझे देर नहीं लगेगी।